ही उम्र के ये नौजवान इकट्ठा हुए हैं प्रॉम नाइट के लिए, पार्टी के लिए, और उस पार्टी का थीम थोड़ा नॉस्टैल्जिक है। प्रॉम नाइट में सब लोग 70s में ड्रेस्ड अप है, सो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सो वी विल अनफोल्ड क्या होने वाला है। बढ़िया से या मैन, मजा आ रहा है बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इन सच क्रेजी गेटअप्स एंड लगता है बिल्कुल पुराने जमाने में पहुंच गए। शांति 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 ओम शांति ओम शांति शांति ओम। सभी को 70 के दशक के हीरो हीरोइन की तरह सच कर आना है और इस रूल को हर कोई फॉलो कर रहा है। प्रिया और उनकी सारी सहेलियों ने ऐसा ही रूप धरा है। कोई मुमताज जैसी लग रही हैं, तो कोई साधना जैसी, तो कोई बनी है बबीता। आज हम प्यार की कहानी में 70s स्टाइल अपना रहे, तो मैंने मुमताज जी का लुक अपनाया है। हमने हेयर स्टाइल बनाई है जिसमें हम बालों को बैक कॉम करके और पैकिंग लगा के भी मेक इट लाइक दिस, और ये फ्लावर लगाए विच इज वेरी 70s स्टाइल। ये इयर रिंग्स भी बहुत दे कॉम्प्लीमेंट दिस स्टाइल। देन दिस साड़ी उनकी तरह तो पूरी नहीं हो पाई है, बट नियरली द सेम काइंड ऑफ ड्रेपिंग वी ट्राई टू यूज। मेकअप आईलाइनर जो है, एज यू कैन सी, स्ट्रेच्ड आउट, नो टाइट साड़ी, हाफ स्लीव ब्लाउज एंड यू नो पोलका डॉट्स जो बाकी लोगों ने पहने। दिस इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम मुमताज जी, सो दिस इज द लुक दैट आई एम अडॉर्निंग टुडे। प्यार की ये कहानी का हर किरदार पुराने जमाने में चला गया है, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपने एक ही अंदाज में नजर आ रहा है, और वो है अभय, जिन्होंने पार्टी के रेट्रो रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। क्यों भाई? सुबीर भी मुमताज बनी हुई है तो मैं शाहजहां होऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर की आपका कैरेक्टर क्या कपड़े डिमांड करता है और ओकेजन क्या है। और कोई भी ओकेजन हो, अभय सिर्फ काले कपड़े ही पहनेगा क्योंकि उसका कैरेक्टर वो डिमांड करता है। ओह, तो अभय एक वैम्पायर है इसलिए वो रेट्रो लुक में नजर नहीं आ सकते, लेकिन अभय 70 के दशक में भी वैम्पायर्स पर कई फिल्में बनी हैं। कम से कम उनमें से ही किसी फिल्मी किरदार को अपना लेते तो हमें और साथ में आपके इन सारे दोस्तों को भी मजा आ जाता। खैर, जो भी हो, इस प्रॉम पार्टी में हर कोई मजा ले रहा था। कोई बलून का फुटबॉल बनाकर उसके साथ खेल रहा था, तो कोई सेट के बाहर जाकर बैडमिंटन का मजा ले रहा था। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो भाई, ऐसा मौका इन कलाकारों को बहुत कम जो नसीब होता है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। गया दिन, हो गई शाम, जाने दो।